बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी के साथ सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो भी सीन बनता है अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। शाम का टाइम हो चुका है, किचन में बैठ चुकी हूँ क्योंकि काफ़ी देर की आंधी चल रही है। तो अभी शाम का खाने की जो भी रूटीन बनती है, जो भी सीन बनता है अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि धूप में तो इधर बनाया नहीं जाता, आज काफ़ी लेट कर लिया है, तो इसलिए अभी जो भी कार्य मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जियाग जलाल की पहले अम्मी को हुक्का धर के दिया है। तो अभी ये लहसुन प्याज और टमाटर मिर्च और हर चीज़ डाली हुई है, टमाटर सॉरी नहीं डाला। तो साथ में अभी लहसुन और प्याज की प्याज ये काट के डाले हुए हैं। अभी इनका पेस्ट बनाती हूँ, अच्छी तरह मसाला तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि आज बच्चों की और बड़ों की सब की पसंद की खास चीज़ बनने जा रही है। तो ये बाहर बच्चों ने शोर मचाया हुआ है, बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। मैं कड़ी चीज़ मसाला बनाने लगे हो मूंगी दाल अपने घर दी मूंगी लग मामू ने भेजी से ना जालियां जगह का खाना जी वजह से फिर धुप शाम तक रही इतने किचन का दरवाजा हो ना हो दूसरा साइड से इस तरह का दरवाजा नहीं इस साइड से सूरज नहीं आता है इस साइड से ना हो जो रखा है ना इधरों इधर लेंदे से बाद लेंदे साइड तो उपा साइड तो हाँ जी लेंदे साइड दरवाजा आ जाता ना हाँ जी बाजी ये भी जो तो होंगे ना दोपहर के टाइम फिर इधर धुप रही सारे दिन लेकिन जो इधर साइड चले जाना ना किचन साइड से वो फिर सबो शाम दोपहर उधर छाई रहनी उधर नहीं आनी धुप आ गई हाँ जी ਵਾਲਣ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੈ ਅੰਮੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦੁੱਕੇ ਵਾਲਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੋਰੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋ ਮਾਰਾ ਛੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੀ ਮਾਰਾ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਮਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭਰ ਕੇ ਵਾਲਣ ਦੇ मेरे अपने काम कर काफी होंगे मेरे को टाइम इतना होंगे नहीं है फिर हाँ जी क्यों नहीं बैजी माशा फिर भी सू जिंदगी गुजरती पी है काम काज बंद फिर मसरूफ से बंद रहा ना काम काज तो फिर चट्टा जिम्मेदार जिंदगी का हिस्सा है बहुत चक्कर नहीं करने सारे निकाल फिर मैं धारा निकाली वो निकाल लिया वहाँ फिर कुछ भी चुका टाइम रखा लीजिए बिजली वो नहीं आ रही सवेर बिजली बच्चे खेल छोड़ दिता है बच्चे उसे कवर करती हूँ और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। खांदी इतनी है कभी धुआं शुरू हो जाता है, बोला भी नहीं जा रहा, धुआं भी आ रही इधर कोई आ रहा है ऊपर से कवर कर देती हूँ। अभी ये सालन ऊपर रखा हुआ है, ये भी चेक कर लेती हूँ तैयार हुआ है या नहीं। सालन अभी
नहीं तैयार हुआ, तैयार हो रहा है। अभी सालन जग कर लेती हूँ। सालन भी जी माशाल्लाह तैयार हो गया है। अभी रोटियां बन रही हैं, तो बाद में बैठ के खाते हैं। भाई ये आवाज़ यार, ऐसा तो बच्चे जा रहे हैं चारा काटने के लिए, तो इधर मैं भी आज बाहर निकली हूँ। मैंने इधर देखने हैं आड़ू और जो अंगूर वगैरह के भी वाले है वो देखती हूँ। ये इधर से जानवरों के लिए जो चूड़ियाँ वो लेके जाते हैं। तो आज सुबह सुबह उठ के माशाल्लाह बहुत प्यारी हवा चल रही है, क्योंकि दोपहर को तो यही हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। जब सुबह सुबह का मौसम होता है तो यही प्यारी हवा बड़ी प्यारी लग रही है। तो इधर खेतों में निकली हूँ, तो मुझे पता है कि इधर आड़ू है मेरा, आड़ू खाने को, सॉरी आड़ू नहीं अनार, अनार खाने को दिल कर रहा था। मैंने कहा देख के आती हूँ। भाई कह रहे थे कि ये कवे और चिड़ियाँ वगैरह हैं जो सारे अनार ख़राब कर रही हैं। जी आ गए हैं जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ऐसी बूटे के कोल आ गए हैं जी, किन्ने किन्ने बड़े लगे हुए हैं। नाल इतने मिठे भी लगे हुए थे, उपरों सारे जानवर ने खराब कर दिते। ये तो थले ही है जड़े बच्चों, मैं बच्चों तो चोरी बार आई हूँ, क्योंकि इस तरह ये सारे खराब करी जा रहे जानवर। नीचे भी गिरे हुए है, तो हूँ देखते हैं नाल असी अंगूरां दी वेल। नज़र तो नहीं हजे आ रहे, इधर आते पे इस बिच आवाज नहीं तेरे के सामने कोई गुच्छी लगी हुई है। देखो सारे हजे है कच्चे, काफी प्यारे लग रहे हैं। इस तरह चेक कर दें खट्टे खट्टे अंगूर किस तरह के लगते जे। खाने का बहुत मज़ा ही आता है। कोई एक दाना मैं तोड़िया, इधर ग्रेड काफ़ी माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए जो बाहर निकली सी। मेरा दिल कर रहा सी कोई फल देखने, हूँ मैं अनार भी घर लेके जाऊँगी, वह भी बैठ के खावगी। है तो हजे खट्टे ही कच्चे भी है, नाल मिठे भी लगे हुए हैं। अनार तोड़िया, इनू तोड़ के देखते हैं दाने किस तरह के निकलते हैं। माशाल्लाह मैं अनार बड़े पसंद है, तो इन तोड़ती हूँ। ये देखो जी बिल्कुल पके हुए, बड़े प्यारे मिठे भी है। हूँ इतने बैठ के मैं खाती हूँ, इतने बैठ जाने तो बैठ के पहले खाँदी। पीछे अनार किन्ने सोहने नज़र आते पे हैं। ये मैं तोड़ लिया इतने तो खाँदी, तो मामा और कबीर भी आ रहे, उन्होंने भी नज़र आ गए। मामा साड़ी इधर गई जी, बच्चे आ जाएंगे, बच्चे सारे फिर हजे कच्चे है फ्रूट ज़्यादा, अनार तो सारे खराब करेंगे।